हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या बैडमिंटन, जहां पर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ निविया के बैडमिंटन शूज़। ये गाइस मैंने न्यू परचेज किए हैं और आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ कैसे शूज़ हैं और आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, ये आपको मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, तभी आपको पता लगेगा कि ये शूज़ कैसे हैं। सो फ्रेंड, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, नाउ हम इसको ओपन करते हैं। कर लिया गाइस। सो इसको ओपन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ। ये है गाइस, इसका मैं आपको प्राइस दिखाने वाली हूँ। सो आप देख सकते हैं ये गाइस, ये इसमें प्राइस है 1600 रुपये। 1600 रुपये में 1 रुपया बस कम है, 1599 रुपीज़ है। एंड गाइस, ये मेड इन इंडिया, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर गाइस आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी ईमेल आईडी पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, जानकारी मिल जाएगी। साइज़ दे रखा है। एंड अगर आप इसका बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में भी आपको इसमें साइज़ दे रखा है। साइज़ के अकॉर्डिंग आप भी शूज ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूँ, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किए, ये मैंने शॉप से परचेज़ किए हैं। बट गाइस, अमेजोन वगैरह पर हैं, बट ये वाले शूज़ नहीं मिलेंगे आपको, दूसरे कोई शूज़ मिलेंगे बट इस प्राइस के बीच में ही आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वो शूज़ लेना हो तो गाइस, मैं दो शूज़ की लिंक मैं अपने इसमें वीडियो में डाल दूँगी नीचे, आप जाके उस पर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो ही आप उसको परचेज़ करिए, अदरवाइज जहाँ आपको अच्छा लगे हैं शूज़ वहाँ से आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड, मैंने इसको कर लिया है ओपन और इसके लिए साइट। सो फ्रेंड्स, ये आ गए शूज़ हमारे न्यू। एंड मैं आपको इसके कलर के बारे में बता दूँ, कलर आप देख ही रहे होंगे, आगे है स्काई ब्लू, पीछे है डार्क ब्लू एंड साइड में, एंड इसके पीछे डार्क ब्लू से डिज़ाइन दे रखी है, साइड में भी दे रखी है। एंड पीछे ब्राउन और ग्रीन में सोल दे रखा है इसका, देख सकते हैं आप। एंड इसके जो लेस हैं वाइट कलर के दे रखे हैं, इसलिए इसमें भी डिज़ाइन बना रखी है, देख सकते हैं, उसमें निविया लिखा हुआ है। बट गाइस, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं लाइक पीवी सिंधु, श्रीकांत, सानिया नेहवाल, सो गाइस वो लोग ये शूज़ यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं योनेक्स के या फिर लीनिंग या फिर विक्टर के शूज। पीवी सिंधु लीनिंग के यूज़ करती हैं एंड सानिया और श्रीकांत ये लोग योनेक्स एंड विक्टर के शूज़ यूज़ करते हैं। बट गाइस, पीवी सिंधु भी योनेक्स के शूज़ यूज़ करते हैं बट विक्टर के इतने यूज़ नहीं करती हैं जितने योनेक्स एंड लीनिंग के यूज़ करती हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक योनेक्स शूज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई थी गाइस, वो भी मेरे पास योनेक्स के भी शूज़ हैं एंड ये मैंने लीनिंग के भी परचेज़ किए हैं शूज़, देख सकते हैं गाइस काफ़ी। एंड इसका वेट भी काफ़ी लाइट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए नए बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपके लिए बेटर शूज़ हैं, इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, कम है 1600 रुपये। एंड अगर आपको एक दो महीने खेले हुए हो गए हैं तो आप योनेक्स के शूज़ ले सकते हैं, योनेक्स के अच्छे शूज़ है ले सकते हैं, बेटर प्राइस में भी आजकल आ रहे हैं, बट मेरे थोड़े महंगे हैं बिकॉज वो सुपर एसी बैडमिंटन योनेक्स के शूज़ हैं, थोड़े महंगे हैं, बट आप चाहें तो योनेक्स या विक्टर लीनिंग के ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसके सोल के बारे में। इसका सोल काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको न्यू पहन के खेलेंगे तो थोड़ा स्लिप होगा बट काफ़ी अच्छा सोल है इसका, देख सकते हैं, टूटेगा भी नहीं। एंड गाइस, इसके जो आगे सोल के आगे धागे से सिलाई भी करी है जिससे ये निकले नहीं, इसमें भी है, देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, नाउ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
एंड मेरे चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके और पे भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी पहली वीडियो आपको दिखे। सो फ्रेंड नाउ हम वीडियो एंड करते हैं, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कमेंट फॉर माई यूट्यूब वीडियो प्लीज़।